हेलो एवरीवन, सो 18,000 वैकेंसीज के साथ फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 आ चुका है, जिसके लिए आप लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो। देखिए, होता क्या है ना कि हम साल भर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में जो साल भर पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें एग्जाम में ऐसा फील होता है यार ये पढ़ा तो था लेकिन आ नहीं रहा। तो ऐसा अगर होगा तो भाई पढ़ना लिखना तो एक ही बराबर हो गया। तो इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि इस टाइम पर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्या रिवाइज करना है। मैं आप लोगों को वीकली शेड्यूल भी बना करके दूंगी सब्जेक्ट वाइज कि इस वीक में आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपका एक टारगेट रहेगा तो आप अच्छे से प्रोसीड कर पाओगे। और रिवीजन में भी आपको कैसे पर्टिकुलरली रिवाइज करना ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव हो। सो जो लोग अभी तक मेरे गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करते हुए हैं, उनको तो ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। दूसरी चीज की ये कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है कि 2 महीने में आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि जो सालों से मेहनत कर रहे हैं भाई, अगर आप 2 महीने में कर लोगे तो डिफरेंस क्या रह गया। सो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 2-3 बार बुक्स कर ली है, नोट्स रिवाइज कर लिया है, अच्छी खासी प्रैक्टिस उनकी है, तो उनको हम रिवाइंड कैसे करें उसके लिए ये वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेदर की ये बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मैं लास्ट में भी पूरा जितना पढ़ा था एक साल में वो मैं रिवाइज कर पाई थी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि आपको ये 1.5-2 महीने एग्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आपको रिविजन करना है, दूसरी प्रैक्टिस करनी है, हार्ड के प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल, तीसरा मॉक टेस्ट देना है, चौथा मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। सो अब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे हर एक सब्जेक्ट में प्रोसीड करना है। सो इसमें से मॉक और मॉक एनालिसिस के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, अगर आपको जानना है तो आप टाइम स्टैम्प से सीधे वहां पर जाकर देख सकते हैं। अभी पहले हम लोग रिविजन और प्रैक्टिस इसके बारे में सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। देखिए, एक चीज तो ना आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका दिमाग एग्जाम में तभी चलेगा जब आप एक ही टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार लगा चुके होंगे। ऐसा नहीं करना है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा किया ही हुआ, ये तो मुझे आता ही है, इसको छोड़ देते हैं। भाई जो आता है ना, जो बुक में है, वही एग्जाम में भी आने वाला है। डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में उसको सॉल्व कर पाते हो। और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी प्री के एग्जाम में नहीं आते हैं, इजी ही होते हैं, बट क्या आप उनको टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप फंस रहे हो तो अपने आप को पेशेंटली मैनेज कर पा रहे हो, ये चीजें मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अब हम वीकली मैथ्स में कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए जो वीकली रूटीन है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो हर एक वीक में आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब कैसे कंप्लीट करना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ो, तीसरे दिन 12 घंटे पढ़ो, बट अल्टीमेटली आपका टारगेट होना चाहिए कि वीक में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब देखिए, हम चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये नहीं कि हमने बुक उठाया, क्वेश्चंस बना लिए, देख लिए थोड़ा बहुत, वो हो गया। नहीं, आपको बिल्कुल थॉरो रिविजन की जरूरत है, थॉरो प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि आपका एग्जाम में दिमाग चलना शुरू हो। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप वीक 1 में नंबर सिस्टम चैप्टर कर रहे हो, तो नंबर सिस्टम का आपको क्या क्या रिवाइज करना है। सबसे पहली चीज तो नोट्स कॉपी, सेकेंड चीज इज मॉक कॉपी, थर्ड चीज इज बुक, फोर्थ चीज इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 4 चीजें आपको रिवाइज करते हुए चलनी है हर एक सब्जेक्ट में जो कि वीकली रूटीन में आपका है। तो आप सबसे पहली चीज नोट्स कॉपी को रिवाइज करो। आप अपने हिसाब से रूटीन बना लेना कि कैसे क्या करना है, क्योंकि रूटीन जो मैं बोलूंगी वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, रूटीन अपने ही हिसाब से बनती है डेली रूटीन, लेकिन आपको वीकली टारगेट कंप्लीट करना है। तो जब नोट्स कॉपी में रिवाइज करोगे तो उसमें आपका फॉर्मूला, कंसेप्ट, टाइप वाइज क्वेश्चंस, कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक टीचर ने बताई हो वो, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, उस चैप्टर का और एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं, ये सारी चीजें नोट्स कॉपी से रिवाइज हो जाएंगी। तो फॉर्मूला, कंसेप्ट, क्वेश्चंस, ये सब आपको करते हुए जाने हैं विद पेन, ये नहीं कि बस देख रहे हो। कंसेप्ट वगैरह तो फॉर्मूला वगैरह आप देख के चलोगे, लेकिन जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको आपको प्रॉपर पेन उठा करके सॉल्व करना है, या फिर माइंड में अगर आप कर सक रहे हो तो वो करना है। लेकिन ये नहीं कि बस ये क्वेश्चन देखा आता है, पन्ना पलट दिया, ऐसे नहीं करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना है। तो इस तरह से थोरो रिविजन करना है आपको नोट्स कॉपी का। नेक्स्ट आते हैं मॉक कॉपी में। तो मॉक कॉपी में जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, हमको पता होगा कि आप सिली मिस्टेक्स जो जिन क्वेश्चंस में होते हो उसको लिखते हो, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है तो उसको लिखते हो। अब रॉन्ग भी क्यों हुआ है वो लिखते हो कि कैलकुलेशन की वजह से रॉन्ग हो गया था, या मुझे कंसेप्ट ही नहीं पता था इसलिए रॉन्ग हो गया था, या फिर ये क्वेश्चन आता था लेकिन इस टाइम पे याद नहीं आ रहा था इसलिए रॉन्ग हो गया था, या आपने तुक्का मार दिया था इसलिए रॉन्ग हो गया था। तो ये चीजें आपने मॉक कॉपी में जो क्वेश्चन लिखा होगा तो ऊपर में उसका लिखा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर आपको देखना, क्योंकि मैंने बताया ना कि रॉन्ग जो आप जो मिस्टेक्स करते हो एक पैटर्न में करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेशियो वाले चैप्टर में गड़बड़ कर रहे हो तो देखना हर एक
मॉक में आप रेस्ट्री वाले चैप्टर में गड़बड़ कर रहे होंगे। तो ये चीजें अभी आपको मॉक कॉपी से क्लियर होंगी कि आप किस तरह के क्वेश्चंस में गड़बड़ करते हो, ताकि ये अभी आपके माइंड में रहेगी और जब एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप अलर्ट हो जाओगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं बुक के ऊपर। तो बुक को आपको कैसे करना है, ये नहीं कि बुक लेकर के बैठे हैं और पूरा दिन उसमें पार कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना। आपको बुक भी बिल्कुल ऐसे लगाना है जैसे कि आप मॉक लगा रहे हो, क्योंकि इस टाइम आप जितना स्पीड में करने की कोशिश करोगे, देखिए आपने 2-3 बार बुक तो अभी तक बना ही लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा, क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे, बट अब क्या है कि जल्दी क्वेश्चन आपसे बने, यही टाइम होता है कि आप अपना स्पीड इंक्रीज करते हो। तो मैं क्या करती थी, जैसे बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अब सारे क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो आप 5 मिनट निकाल करके पहले ना 60 क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए, जो कि अलग अलग टाइप के हो। और टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेंगे, तो आपको किरण वाली बुक में मिल जाएंगे। अब जब बुक लगाते हो तो वहां पर जो सेम टाइप के होते हैं 3-4 क्वेश्चन साथ में दिए होते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, जो थोड़े से ट्रिकी है, उनको टिक लगाइए, फिर दूसरे टाइप का वैसे टिक लगा लीजिए। तो 60 क्वेश्चंस आप पहले टिक लगा लीजिए, बनाइए मत, सोचिए मत उस चीज को। अगर आपने 2-3 बार बुक सॉल्व किया तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप टाइमर लगाइए 1 घंटे का, और इस टाइमर में आपको बिल्कुल शांति से बुक सॉल्व करना, ये नहीं कि बात कर रहे हो, ख्यालों में खो जा रहे हो, तो ये चीजें आपकी नहीं होंगी उस टाइम। ये होता ना कि आप बैठे बैठे और सोच कुछ और रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाना और ऑप्शन लिखना है। इसको बिल्कुल मॉक की तरह देना है, मतलब कि इसमें आपको सारे ट्रिक्स लगाने हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाना है या ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, ये सारी चीजें आप करिए। सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पर आपको प्रैक्टिस करना है स्किपिंग। जैसे बुक में भी आपने देखा कि 3 के बाद 4 नंबर है, मुझे लग रहा नहीं बनेगा, टाइम जा रहा है, तो आप दूसरा छोड़ के आगे बढ़ो। छोड़ना बहुत जरूरी है, जहां आपको लग रहा है थोड़ा सा भी यार मैं तो थोड़ा सा घबरा रहा हूं, मुझे नहीं दिमाग में आ रहा है, उसको तुरंत छोड़ो, तुरंत आगे बढ़ो। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि स्किपिंग कैसे की जाती है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर जाके एग्जाम से पहले देख लेना, मतलब ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने डेमो करके बताया कि कैसे स्किपिंग की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बुक को सॉल्व करना है। सो मान लीजिए अगर 300 भी क्वेश्चंस होंगे ना, तो हार्डली आप उसमें से 150 या 170 180 इस तरह के क्वेश्चंस छांट लोगे जो आपको करने हैं, तो इससे आपका बुक जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आपको 2022 से 2023 के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल वाले ही लगाने, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा ही करने के लिए बैठ जाओ। लेकिन ये बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिखने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको लैपटॉप खोल लीजिए या फोन खोल लीजिए, जो भी है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको लैपटॉप पर ही मॉक टेस्ट देना चाहिए। सो आप क्या कीजिए, अपना लैपटॉप खोल लीजिए, उसमें आप पीडीएफ ले लीजिए और इसको भी बिल्कुल मॉक की तरह सॉल्व करिए। ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए और जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑप्शन लिखते जाइए, और स्किपिंग प्रैक्टिस करिए, ऑप्शन एलिमिनेशन प्रैक्टिस करिए, अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस करिए, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करिए। तो सोच रहे कि रियल मॉक तो आप दोगे, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनमें भी आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, तो इस टाइम पर आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और एग्जाम में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, लगेगा कि यार मैं तो घर पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, किसी में फंस गए, तो जाकर के उन क्वेश्चंस को अब भी टाइम आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आप फंस रहे हो, तो वहाँ पे जाके अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे कि आप किस तरह से भी प्रोसीड करोगे मैथमेटिक्स के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है इंग्लिश, जो कि हमारे सीजीएल टियर 2 में सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट भी है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बिल्कुल भी ये सोच के मत तैयारी करना कि प्री का एग्जाम है या फिर प्री के लिए तैयारी कर रहा हूं। तैयारी हमेशा प्री मेंस की साथ में ही होती है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका कंसेप्ट मैटर करता है। अगर आपको आता है तो आप प्री में भी कर लोगे, मेंस में भी कर लोगे, ठीक है। सो इंग्लिश में भी आपको सेम ही चीज रिवाइज करनी है, नोट्स कॉपी, मॉक कॉपी, बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो नोट्स कॉपी में आपने क्या क्या लिखा होगा, अगर किसी वीडियो से पढ़ा है तो जो इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, जो कि आपकी नीतू मैम वाली बुक में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नीतू मैम की बुक अपने आप में नोट्स का ही काम करती है, आप पूरा बुक ही रिवाइज करो। लेकिन वहां पे जो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो आपने लिखा होगा, कोई वोकैबुलरी आपको मिली होगी जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा होगा, कोई ट्रिक अगर टीचर ने बताया होगा, स्पेशली ट्रिक होती है आरसीज में, पीक्यूआरएस में, क्लोज टेस्ट में, अगर आपको नहीं पता क्या ट्रिक्स होती तो आप मेरी ये वाली वीडियोस जाकर जरूर देख लेना, अभी भी टाइम है, तो आप बहुत स्पीड इन सब चीजों को सॉल्व करने लग जाओगे। तो इन सब चीजों को आपको रिवाइज करना है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिटेल में नोट नहीं बनता है, तो इन चीजों को रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक कॉपी, जिसमें कि आपने जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, सिली मिस्टेक्स हुए होंगे, कोई इंपॉर्टेंट रूल होगा, कोई इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होगा जो आया हुआ है, या ईडी
मीडियम है या सो ये चीजें अभी आपको रिवाइज करके रखनी है जो भी आपने लिखा होगा। इसके बाद आपको करना है बुक से, सो ये है आपके लिए वीकली रूटीन जिस हिसाब से आप इंग्लिश में सब्जेक्ट्स को करोगे। सो इसमें आपको वीकली टारगेट के हिसाब से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। आप बुक से रूल्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से अभी थोरोली याद कर लो, देख लो विद एग्जांपल। रूल याद करने से नहीं होता है, रूल अप्लाई करने के लिए आना चाहिए कि क्वेश्चन देख करके आपको वो रूल याद आता है कि नहीं। अदरवाइज रूल याद है भाई, क्वेश्चन में याद ही नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। उसके बाद जो बुक्स के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करने हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम 2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इंप्रूवमेंट की, एरर की, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं वो भी आपको करने हैं। तो आप ऐसा टारगेट बना सकते डेली वॉल्यूम 2 से 50 क्वेश्चंस एरर के, इंप्रूवमेंट के, मतलब ग्रामर की जितनी चीजें उस हिसाब से आप अपना रूटीन बना लो कि ये आपको करना है। सो ये तो हुआ ग्रामर का पार्ट। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो आपको 2 पेजेस सबसे करने हैं, मतलब आगे पीछे मिलाकर 2, यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 पेजेस करने हैं, इडियम्स के, सिनोनिम के, एंटोनिम के, जिससे कि आपका साथ साथ सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहेंगी और ऑलरेडी आपने याद कर रखा ही होगा तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की तो आपको 2 RCs, 5 क्लोज टेस्ट और 10 PQRS डेली प्रैक्टिस करने हैं और इनको भी बिल्कुल मॉक के जैसे करना है। जैसे कि आप टाइमर लगा लो कि 10 मिनट में ये मुझे कंप्लीट कर लेने हैं, 10 मिनट में हो जाएगा आपका ये सारा, ठीक है। इसके साथ ही आप इंक्लूड कर लेना वॉइस चेंज जो नीतू मैम में दिया गया है और जो नरेशन नीतू मैम में दिया गया है। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट मैंने बोला ना वो भी प्रॉपर आपको नीतू मैम की बुक से ही करना है, मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही करना है। ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर लेकर के बैठ जाओ, डोंट डू इट, आई रिक्वेस्ट डोंट डू इट, न्यूज़पेपर इज नॉट रिलेवेंट टू एसएससी, ठीक है। सो बुक के बाद हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो इसमें भी आपको सेम करना है, पीडीएफ लैपटॉप में खोल लेना है, आपको इस तरह का फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद क्वेश्चंस करते जाना है, ऑप्शन आपको लिखते जाना है, बिल्कुल मॉक की तरह। मॉक की तरह मतलब स्किपिंग वगैरह सब प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम लगाकर साइड में रख देना, वो सब कुछ इसमें प्रैक्टिस करना। तो एक रियल मॉक में तो आपका होगा ही होगा, प्लस इसमें भी होगा, फिर जो गलतियां हो गई उसको आप अच्छे से देख लेना कि भाई यहां पे मैं गलती कर रहा हूं अभी भी, तो वो आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बुक का कोई रोल नहीं होता है, इसमें आपको सिंपली नोट्स कॉपी, मॉक कॉपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 टू 2023 के प्रैक्टिस करने हैं सीजीएल के। तो इसमें आप क्या करोगे, नोट्स कॉपी में आपने लिखा होगा ट्रिक्स वगैरह, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो, कोई अगर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन या सेम टाइप की चीजें रिपीट रिपीट करके आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें आपने अपने नोट्स कॉपी में लिखी होंगी। मॉक कॉपी में जैसे कि बताया मिस्टेक्स वगैरह लिखे होंगे और ये सारी चीजें, तो वो रिवाइज कर लेना, दिस इज द हाई टाइम, ताकि आपको पता लगे क्या गलतियां होती है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल मॉक फॉर्म में देना, लैपटॉप में इस तरह का फॉर्मेट बना करके वैसे आपको देना है, स्किपिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हुए। आप टाइमर लगा लेना, जैसे कि आपने मॉक में सोचा है कि मेरा 10 मिनट में या 15 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए 25 क्वेश्चंस, तो 25 क्वेश्चंस के लिए आप लगा दो ना 12 मिनट का या 10 मिनट का टाइम लगा दो, उस हिसाब से आप करो। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स में आप इस तरह से करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस तो बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम रहता है कि क्या रिवाइज करें क्या नहीं रिवाइज करें। तो मैं आपको सिंपली, अगर आप मेरे गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करो तो आपको पता होगा कि आपके पास नोट्स, मॉक कॉपी, सारी चीजें भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो इसमें भी आपको सिमिलर चीजें करनी है, सबसे पहले तो नोट्स कॉपी रिवाइज करना है, मॉक कॉपी रिवाइज करना है, बुक रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स हटा करके। सबसे पहले आप नोट्स कॉपी में जो भी आपने लिखा होगा, पूरा कंसेप्ट लिखा होगा, सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स कॉपी बनाएगा, नोट्स कॉपी सब्जेक्ट्स की ही बनती है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री का बनाया होगा, पॉलिटी का बनाया होगा, ज्योग्राफी का, साइंस का, सब कुछ का बनाया होगा, तो रूटीन आपके सामने दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर। तो इस रूटीन के हिसाब से आपको वीकली टारगेट्स बनाने हैं कि ये सब्जेक्ट्स मुझे कंप्लीट करने हैं, तो उन सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स कॉपी रिवाइज कर लेना है। आपने 3-4 बार रिवाइज किया होगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको मॉक कॉपी रिवाइज कर लेना है, उसके बाद आपको बुक को रिवाइज कर लेना। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री की नोट्स कॉपी पढ़ ली, तो हिस्ट्री के जितने एमसीक्यूज है जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं आपको किरण की बुक में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात आती है, तो आप सिंपली इनको पढ़ते जाना, इसको आपको मॉक की तरह करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको पढ़ते जाना और इसका आंसर याद करते जाना अभी भी अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि हो सकता है आपको सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट करते हुए दिखे। नेक्स्ट चीज का जो पार्ट होता है वो होता है स्टैटिक जीके। तो इसमें आप क्या करना, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे ये ही पढ़ने, यानी कि आप सब कुछ पढ़ने के लिए बैठ जा रहे हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अपनी ये वाली वीडियो में बता रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हो। तो इसमें आप क्या करना कि एक दिन में 2-3 टॉपिक्स सेलेक्ट करना, उसको आप या तो लूसेंट से, या तो अगर आपने नोट्स बना रखा है वहां से, या जहां से भी आपने याद किया है वहां से जाकर के 2-3 टॉपिक्स को याद कर लेना आराम से, ठीक है। अभी रिवाइज
करोगे ना तो आपको याद रहेगा एग्जाम तक, उसको वापस करने की जरूरत नहीं, अब आपको याद रहेगा। और अगर अभी भी नहीं याद हो रहा तो क्रेजी जीके ट्रिक एक चैनल है, वहां पर जाकर के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ट्रिक्स देख करके इसको याद कर सकते हो अभी भी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में आप सिंपली उठाओ 6 महीने की PDF उठाओ या तो 6 महीने की वीडियो, दोनों में से कोई एक चीज करो, उसमें से आप टारगेट बना दो 50-50 क्वेश्चन मुझे डेली के रिवाइज करने, क्योंकि आपने कर रखा होगा तो आपको रिवाइज करने, इस तरह से आप करंट अफेयर्स का बना सकते हो प्लान। ठीक है, तो मैंने चारों ही सब्जेक्ट्स में आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से आपको रिवाइज करना है। इसके बाद बात आती है मॉक टेस्ट की, तो आपको 1 घंटे का मॉक टेस्ट तो आप डेली बेसिस पर देना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन न्यू मॉक दो, एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक दो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 2023 वाले अभी दो, ठीक है, यानी कि बहुत पुराना मॉक देने के लिए चले जा रहे हो। तो इस तरह से डेली करो और इसकी एनालिसिस बैठकर आपको 1 घंटे करनी है। एनालिसिस का मतलब बहुत डिटेल्ड एनालिसिस, आप ये वाली फॉर्म लो, इस फॉर्म के अनुसार आप मॉक एनालिसिस करो। ये फॉर्म स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन करी है ताकि आप लोग अपनी इंप्रूवमेंट को देख सको। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर जाकर के देख लेना, अभी भी देख लो यार। तो जो मैंने मॉक के लिए आपको एडवाइस किया ना, वो कहीं यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा, मतलब जितनी एक एक बारी बारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। क्योंकि अभी टाइम है, स्पीड इंक्रीज करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं अपना। और जब आप ना मॉक टेस्ट लगाओगे तो अपने आप आपके दिमाग में ट्रिक्स आएंगे ही आएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब मैंने 10-15 मॉक के बाद सीखा कि मुझे कौन सा सीक्वेंस अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरह से मुझे मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, ये चीजें सीखते हो आप धीरे धीरे करके खुद ही, तो ये सब डेवलप करो अपने अंदर। सो सब मिला करके आप मुझे पूछोगे कितना टाइम आप लोगों को दिन भर में डिवोट करना है, तो अब आप लोगों को 10 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि जितनी चीजें मैंने बताई इनको रिवाइज करने में इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट वगैरह आपको 10 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। सो अब आराम हराम है भाई, अब आप लोगों को मतलब अलर्ट हो जाना है, बिकॉज अगर इतनी ज्यादा वैकेंसी वाली सीट आपने छोड़ दी ना तो आपको बहुत अफसोस होने वाला है बाद में। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अब इसके साथ ही आप लोगों को मैं एक ऐप सजेस्ट करती हूँ जो कि Adda247। यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात क्या है कि बिल्कुल फ्री है और इसमें 4-5 मिनट का, 10-15 मिनट का क्विज आता रहता है। तो आप दिन भर में 3-4 बार जस्ट इसको, जब भी आप लोग आप बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा बुक देखने का मन नहीं कर रहा, तो आप जाकर के सिंपली इसको खोलो और इसमें टेस्ट दे दो। इसका जो फॉर्मेट है ना वो आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा और आपको मजा आएगा क्विज देने में, और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट वगैरह भी आ जाते हैं, बहुत स्मूथ काम भी करता है। तो ये करना, इससे क्या होगा ना कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, मेरी पूरी की पूरी स्पीड ही इस ऐप से बढ़ी है। मतलब आई ट्रूली सेइंग दिस कि मेरी जो मैं जो बहुत प्रैक्टिस करने में स्पीड नहीं बढ़ी थी ना, वो इसमें क्विज दे करके बढ़ गई। तो जरूर जरूर इस ऐप को ट्राई करना। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, एक अच्छी गाइडेंस मिली होगी कैसे आपको अभी प्रोसीड करना है, क्लैरिटी मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आगे, तब तक के लिए जय हिंद।